मैं भूल गया हूँ मासी बतुंगड़ी जो है दोस्तों पूरे पाकिस्तानी सिस्टम का प्रोग्राम वारने वाले शेर अफजल मरवत का स्वैग बड़ा कमाल है। ये जिधर भी जाते हैं अवाम इनके मजाहिया फिक्रों की फैन हो चुकी है। तो चलिए आज आपको मरवत साहब के कुछ ऐसे ही मजाहिया सीन दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले वकील साहब का ये सीन देखें जिसमें शो कॉज नोटिस का जवाब ये चुमियों से देंगे। तहरीरी भी क्योंकि दो दिन का टाइम था उसका कोई तहरीरी भी आप जारी करेंगे या उनको जमा करवाएंगे अपना जवाब या कोई पपियों पे ही बस गुजारा चाहिए। गुजारा पपियों पे चलना चाहिए वैसे भी कानूनी एक बात है। हम तो अब सुनी इतिहाद कौंसिल के मेम्बरान है और वो जो कास जारी हुआ है वो तो पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर ने जारी किया है कानूनी पॉइंट भी है। इसी तरह शेर अफजल ने सारे नून लीगियों के नाम भी अजीब रखे हुए हैं। अब इसे सारे मासी बतुंगड़ी के नाम से बोला करेंगे। मेरे डायलॉग की बारी है। मैं आज स्पीकर ने जो है मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैं ऐबान के अंदर सिगरेट पी रहा था तो हजरत को वो मासी बतुंगड़ी जो है वो क्या नाम है मरियम औरंगजेब वो ये सारा प्रोपेगंडा करती है और उन्होंने टिकटॉक पे ये मतलब करके एक टिकटॉक चल रहा था कि जी मरवत साहब जो है वो उन्होंने ऐबान में सिगरेट पिया और किसी ने कहा कि ऐबान में सिगरेट अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो बाहर निकल जाए। टिकटॉक बनाते हैं। दोस्तों वकील साहब की याददाश्त वैसे तो बड़ी तेज है लेकिन यहाँ पे ये डायलॉग भूल जाते हैं। मुस्तफा कुरैशी का एक डायलॉग याद आ रहा है वो मेरे ख्याल में चंद साहब के इस डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बात कही थी। मेरा ख्याल है कि वो जो शान मैं भूल गया हूँ अगली वीडियो में बंदे का नारा सुन के शेर अफजल भी हंसने लग जाएंगे। अवाम इनकी वैसे ही दीवानी है। शेर अफजल खान जिंदाबाद। शेर अफजल खान जिंदाबाद। इसी तरह इस बंदे का स्वैग चेक करें। ये कहीं भी सिगरेट पीने वाला स्टाइल नहीं छोड़ते। ये पाकिस्तानी पीकी ब्लाइंडर है। शेर अफजल मरवत कौमी असेंबली के इजलास में सरेआम सिगरेट के कश लगाते रहे। साथ ही एमएनए ने कहा कि ये कौमी असेंबली है इधर सिगरेट पीना सख्ती से मना है। शेर अफजल ने जवाब दिया जिसको मेरे सिगरेट से मसला है वो कल से असेंबली में ना आए। जिस पर उन्होंने कहा कि स्पीकर को सबसे ज्यादा इस सिगरेट पर मसला होगा। शेर अफजल बोले स्पीकर को बोलो वो भी ना आए हम खुद ही चला लेंगे। दोस्तों ये बंदा जितना मर्जी गुस्सा कर ले इसे फिर भी हंसी आ जाती है। जैसे यहाँ पे ही देख ले यार हमें खुदे जो घर का अब जैसे कि शेर अफजल पाकिस्तानी कौमी असेंबली की असली हकीकत बताएंगे। असेंबली में तो मसाइल हल नहीं होते हैं असेंबली में तो मसाइल पैदा होते हैं। ये मसला असेंबली में पैदा हुआ है। ये जो अजनबी लोग हैं मैंने बन के बैठे हैं। अगली वीडियो में मरवत साहब का जज्बा देखें। ये बंदा ईवान में पूरे 5 साल हुकूमत को उंगली करने वाला है। आज जरा ईवान में जाने दें जब बाहर निकलूंगा तो आपके पास ढेर सारे सवाल होंगे और ये जो निहारिया काई है ना इंशाल्लाह आज ईवान में उल्टी करवाएंगे। दोस्तों हजरत नवाज शरीफ गलत लोगों से पंगा ले बैठे हैं। पीटीआई का वकील इनकी लकीरें भी निकलवाएगा। 9 मई सुन सुन के कान पक गए हैं हर वक्त के 9 मई। अगर 9 मई का इतना ही दुख है और इतना ही आप कफारा अदा करना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों हजरत नवाज शरीफ साहब आगे हो जाए नाक पे हर दिन 10 लकीरें खींचे हम भी साथ में शुरू हो जाएंगे क्योंकि 9 मई हुआ है। क्या चाहते हैं पूरी कौम अब नाक पे लकीरें खींचे 9 मई क्या हुआ है। इसी तरह बूट पालशियों की सजा बूट ही होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत हुकूमत को बहुत जलील करते हैं और जब तक खान रिहा नहीं होगा और आज इन्होंने गड़ियां लहराने की कोशिश की तो इसका हमने हल मैंने ये तोड़ निकाला कि मैंने इनके आगे बूट कर दिया।
अब जैसे कि मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन करप्शन है, इसीलिए पहला टारगेट कौन होना चाहिए ये खुद ही सुन लें। मरियम नवाज कहते हैं करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो क्या कहेंगे इस बयान को कैसे? फिर तो शुक्र है, सबसे पहला हाथ अपने बाप पे डाल दे। दोस्तों यहाँ पे शेर अफजल पंजाबी बोलने की नाकाम कोशिश करेंगे। सलंसर नुमा बूते भी वो क्या कहते हैं उसको, तुका मिर्दा के सलंसर नुमा बूते विच तुका, बूते विच तुका तुंदा पाया तुका मिर्दा के सलंसर नुमा बूते विच तुका। ओ भाई तुसी तुखे मरेंदे पई हो खान दे खिलाफ, ओ इवें नथी जावे के असा तेनु तुखा ही कहना तुंदा पया। तो लिहाजा में मिर्जा को एक गल दसेंदे पिया। अगली वीडियो में अपना डायलॉग स्पीकर में सुन के ये खुद ही मुस्कुरा पड़ते हैं। इसी तरह बेचारे मरवत साहब डायलॉग बोल के इतना फंस गए हैं कि अब तो इनका अपना प्रोग्राम बढ़ गया है। काफी ने मुझसे सवाल किया कि प्रोग्राम जो है उसका वो जारी रहा या क्या हुआ, तो प्रोग्राम जो था वो तो आता पाई हमारी शुरू हो गई थी, तो मेरे दिन से अचानक ये लफ्ज़ निकल गया बढ़ गया। अब मुझे पता नहीं था कि सारा पाकिस्तान बढ़ गया कि पीछे लग गया और चीज भी। अब मुझे खुद आज हैरानी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों लोटों के लिए ऐसे ही सरेआम लोटों की बरसात होनी चाहिए। अब जैसे कि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने वालों पे आप भी कमेंट सेक्शन में लानत लाजमी भेज दें। बर्दाश्त नहीं कर रहा डिजिटल मीडिया को, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि बड़ी ताकत है। जो सोशल मीडिया को बर्दाश्त नहीं कर रहे उन पे लखती लानत। अगली वीडियो में ये एक सहाफी के सवाल पे बड़ा तगड़ा जवाब देंगे, क्योंकि सेनेटर अफनान उल्ला को इन्होंने बड़ी चपेड़ मारी थी। अफनान साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम लड़ने से भी नहीं डरते किसी से, अगर लड़ना भी चाहते हैं तो ये लोग लड़ लें पीटीआई वाले हमारे। किस चीज से नहीं डरते? लड़ने से नहीं डरते, लड़ने से नहीं डरते। वो जो चपेड़ काई है पहले उसका तो बदला ले लें। दोस्तों स्पीकर कौमी असेंबली ने शेर अफजल के सिगरेट पे एतराज किया, तो आगे से इनका जवाबी स्टाइल चेक करें। स्पीकर साहब सिगरेट का कर्ज लेना ये होता है। इसी तरह बेचारे गंजों का पाला इस बार बड़े खतरनाक बंदे से पड़ा है। अगर आप भी शेर अफजल के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। अब जैसे कि मरवत साहब अपने कारकुनों से शुगल मेला पूरा लगा के रखते हैं, ये बंदा वाकई ही पार्टी की जान है। दोस्तों पीटीआई से गद्दारी करने वालों को शेर अफजल किसी जगह भी माफी नहीं देते। 20 दिन के अंदर खान साहब आ रहे हैं। ये इंशाल्लाह खान साहब के खिलाफ दो इंतहाई नाकिस कमजोर केसेस जिनकी सीयत परवेज खटक से मिलती जुलती है वो केसेस रह गए हैं, तो इनकी जमानत हाई कोर्ट में हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले पीटीआई के सदर शेर अफजल मरवत साहब के कुछ ऐसे मजाहिया वाकयात, जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप शेर अफजल साहब के और मजाहिया सीन देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो भी लाजमी देखें।